क्या आप जानते हैं बिहार में जो शराबबंदी है, सबसे पहले शराबबंदी को लेकर कहां से इसका विरोध हुआ था? हमारे साथ मौजूद हैं मनोहर मानव भैया, जिन्होंने एक समाजसेवी भी हैं, थोड़ा नजदीक आइएगा भैया। बिहार में शराबबंदी है तो कहा जाता है कि सबसे पहले आपके द्वारा शराब के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया था, एक पद यात्रा निकाला गया था, ये पहले सबसे पहले आपके दिमाग में कैसे आया? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस मौलिक विषय को आपके इस न्यूज 18 चैनल ने प्रमुखता से उठाया है, उसके प्रति शुक्रगुजार हूँ। आपने कहा कि आपके दिमाग में कैसे आया, मूलतः हम लोग गांधी विचार से अपने जीवन को पुष्पित पल्लवित रख के देखते हैं, और गांधी जी ने यह बात कही थी कि मुझे एक दिन का भी अगर शासन और सत्ता चलाने का अवसर मिला तो मेरा सबसे पहला काम होगा शराबबंदी लागू करना। तो एक तो प्रेरणा वो थी, दूसरी प्रेरणा ये थी कि मैं देखता था कि शराब के कारण गरीब से गरीब आदमी का परिवार उजर जाता था, और गरीब से गरीब आदमी के यहाँ इस तरह की हिंसा और इस तरह का अभाव उसके कारण दिखता था, वो देख के मन रो बैठता था। और मैं शायद यह कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं है कि बहुसंख्यक बुराइयों की जड़ जो है शराब थी। शराब जब यहाँ इस प्रदेश में लागू था और जब शराब बिकता था, उस समय की त्रासदी जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और आज का दिन कितना सुकून भरा दिन है कि स्कूल के बगल में वो विभत्स दृश्य, जिस दृश्य को देख के हम शर्मसार हो जाते थे, चौक चौराहों पर महिलाओं का चलना दूभर था शराब पी करके, और ऐसे लोग मतवाले की तरह चलते थे कि बहन बेटियों का इज्जत जो है वो हमेशा दाव पर लगा रहता था। और इस परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता था कि प्रदेश में और देश स्तर पर शराबबंदी लागू होनी चाहिए, और इसी को लेकर हम लोगों के विचार के पुंज रहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और उनके गांव से हमने पदयात्रा शुरू की, और उस पदयात्रा के माध्यम से हमने संपूर्ण बिहार में अलख जगाया। ये सर शुरू किए थे भैया, ये हम लोगों ने यह पद यात्रा वर्ष 2009 में भी किया था, 11 में भी किया था, और उसके पहले बिहार में हम लोग अलग अलग तरीके के कार्यक्रम के माध्यम से शराब बंद को लागू कराने की कोशिश में लगे हुए थे। हम लोगों ने उसके कई देश भर के जितने बड़े एक्टिविस्ट थे हमारे इस रचनात्मक संघर्ष में शामिल हुए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, श्री नीतीश कुमार जी का, कि उन्होंने महिलाओं और यहाँ के एक व्यापक जनपक्षीय मुद्दों के ऊपर संवेदना के साथ उन्होंने पहल किया। आज मुझे गौरव होता है कि मैं देश के अन्य राज्यों में जब जाता हूँ और मैं बड़ी प्रामाणिकता के साथ कहता हूँ कि बिहार ने एक रास्ता दिखाया है, मर्ज कर रहे हैं। भैया एक और बात बताइए, बहुत लोग कहता है कि मतलब कि ये शराबबंदी जो आप बंदी करने के लिए जो मांग किए थे, जो पद यात्रा निकाले थे, तो ये सरकार जब घोषणा कर दी थी शराबबंदी की, तब या उसके पहले? नहीं नहीं नहीं, हम लोग शराबबंदी के संघर्ष को बिहार में बहुत पहले से हम लोग करते रहे हैं। शराबबंदी तो बिहार में बहुत बाद में सरकार ने किया, उसके पहले जब यहाँ पर शराब पीकर लोग जो हैं ये भूकंप की स्थिति, मैं तो दूसरे प्रदेशों में जाता था और मैं कहता था कि शाम को हमारे यहाँ रोज़ भूकंप आता है, रोज़ धरती डोलती है। उसका अभिप्राय यही था कि जब लोग शराब पीते थे और ऐसे मदमस्त होके चलते थे तो भूकंप की अनुभूति दिलाते थे। तो हम लोगों ने बिहार सरकार तो बहुत बाद में सबसे पहले महिलाओं को इसके प्रति जागरूक किया, उसके बाद महिलाओं ने जागरूक होकर मुख्यमंत्री के पास ये इस विषय को उठाया। मुझे कह के आपको बताकर थोड़ी पीड़ा भी हो रही है
कि हम लोगों ने जब शराबबंदी का आंदोलन चलाया तो और दूसरा खुशी का भी विषय है कि इसको सबसे ज़्यादा निम्न वर्ग की महिलाएं हजारों हजार की संख्या में, वैसी बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो आपको सोशल मीडिया पर हमारे संघर्षों को लेकर मिल जाएगा कि हजारों हजार की संख्या में महिलाएं पदयात्रा करती थी, जुलूस निकालती थी, धरना करती थी। इस नगरपालिका चौक पर बहुत सारे धरनों का आयोजन हुआ था और उस समय हम लोग एक नारा लगाते थे, शराब पिलाए जो सरकार वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। स्वामी अग्निवेश जी और तमाम लोग हमारे इस संघर्ष में आए और एक और दुखद भी इसका पक्ष रहा है कि जब हम लोग इस आंदोलन को अहिंसक तरीके से आगे बढ़ा रहे थे तो हमारी महिला बहनों के साथ हम लोगों पर कई बार जानलेवा माफियाओं के द्वारा हमले भी हुए हैं। नबीगंज बिनटोली में हमारी जो शराबबंदी करने वाली महिलाएं थी उन पर कई बार वो FIR दर्ज माफियाओं के द्वारा कराया गया, जब वो भट्टियां तोड़ती थी और उस भट्टियों में से शराब नष्ट होते थे। पदयात्रा सफल हुआ और महिलाओं ने जागरूक होकर मुख्यमंत्री के पास इस विषय को रखा, उसके बाद ही लागू हुआ शराबबंदी। देखिए सच पूछिए तो ये हमारे दिल की आवाज़ थी और जो आदमी दिल से कोई काम करता है तो उसकी गूंज कहीं ना कहीं सिस्टम तक पहुंचता है। हम लोगों ने यहाँ से पूरे प्रदेश भर का अभियान चलाया और आज भी मैं देश के अन्य हिस्सों में यह अभियान चलाता हूँ और उसकी गूंज हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री तक पहुँची और उन्होंने इसको स्वीकार किया। मैं पूछता हूँ, संविधान में चोरी लूट डकैती सभी तरह के अपराध वर्जित हैं, क्या उसके बावजूद हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं? तो क्या शराबबंदी जो बंद किया गया है इसको खोल देना चाहिए या इस पर बंद ही रखना चाहिए? किसी भी स्थिति में शराबबंदी को निरस्त नहीं करना चाहिए और मैं मानता हूं कि अगर शराबबंदी को किसी नियोजित षड्यंत्र के तहत अगर विफल करने की साजिश हो रही है या होगी तो मैं समझता हूँ कि नागरिक समाज को, हमारी महिला सशक्तिकरण को, हमारे सभ्य समाज के लोगों को जितना बड़ा नुकसान होगा शायद उतना बड़ा नुकसान कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने शराबबंदी के लिए सबसे पहले सारण के धरती सिताब दियरा से बिगुल फूका था और यहाँ से पद यात्रा इन्होंने निकाली थी जिसमें हजारों महिलाओं ने भाग लिया था और पूरे बिहार के सभी ज़िले में महिलाओं ने शराबबंदी का विरोध किया। एक दिन ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार जी के सामने इस विषय को रखा गया और आज बिहार में शराबबंदी नियम लागू है। विशाल कुमार, लोकल 18, छपरा।